दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? होप बहुत अच्छी होगी और अभी सबने अपना सीड स्टॉकिंग स्टार्ट कर दिया होगा। लास्ट ईयर को हमें भूल जाना है 2020 को, और इस साल हमें और मेहनत और शिद्दत से अपनी क्रॉप को कल्चर करना है। और जो लास्ट ईयर किसान भाइयों ने सीड स्टॉक नहीं कर पाए हैं, या उनका मार्केट में कम प्राइस से सेल हुआ है, या डिमांड सप्लाई कहीं कहीं पे कुछ गैप थी, तो वो सब हमें इस साल मैनेज करने हैं। दोस्तों आज इस वीडियो का टॉपिक है पैडल व्हील एरिएटर और डिफ्यूजर्स का क्या डिफरेंस है। एक किसान भाई ने रिक्वेस्ट की है कि ऑक्सीजन के ऊपर आप पैडल व्हील एरिएटर और डिफ्यूजर्स में डिफरेंस बताइए। दोस्तों बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे पैडल व्हील एरिएटर और डिफ्यूजर का डिफरेंस, क्या उनके फायदे हैं, क्या नुकसान है, और ऑक्सीजन की क्या महत्वता है हमारे मछली पालन में। दोस्तों हम पहले बात करते हैं पैडल व्हील एरिएटर की। अगर आप अर्थन पॉन्ड्स में फार्मिंग कर रहे हैं, या जिसे कहें हम पॉन्ड फार्मिंग कर रहे हैं, बड़ी वाटर बॉडी है, तो वहां पे जो रिजल्ट मैंने कंपेयर किया है, समरसेबल एरिएटर या वेंचुरी एरिएटर बोले, पैडल व्हील एरिएटर बोले, या लोग बाग क्या एक समरसेबल को यूज कर लेते हैं, उसी वाटर को सक करके एक हाइट से ड्रॉप कर देते हैं सेम वाटर बॉडी में, तो उससे भी हमें एरिएशन होता है। एरिएशन का सिंपल मीनिंग है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमें ऐड करना है अपनी वाटर बॉडी में, जिससे कि हमारी फिश को एक इनफ अमाउंट की ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहे। और ये जो ऑक्सीजन डिप होती है, ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में भी अपनी चर्चा की है, ऑक्सीजन की ज्यादातर हमने जो लो वैल्यू या लो डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑब्जर्व करा है, वो हमेशा अर्ली आवर्स में, जब भोर के समय बोलते हैं, अर्ली मॉर्निंग में, ये उस समय पूरे हमारे इकोसिस्टम में रेस्पिरेशन हो रही होती है, जो कि हमने कार्बन साइकिल के दो मेन सब बंदों ने पढ़ा हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो पूरी रात में रेस्पिरेशन होता है, तो उसके कारण अर्ली मॉर्निंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे वायुमंडल में, जिसके कारण मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन या आप हाई डेंसिटी कल्चर, या आप जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड स्टॉकिंग डेंसिटी है कि आप एक एकड़ में इतनी मछली पालन कर सकते हैं, एक टैंक में इतनी मछली पालन कर सकते हैं, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको जैसे हम सीड पे महत्वता देते हैं, खाने पे महत्वता देते हैं, ऐसी ऑक्सीजन पे महत्वता देनी है। अगर हमने पैडल व्हील एरिएटर यूज कर रहे हैं, तो उसके जो हमारे बेनिफिट्स है, हमारा रैपिड एरिएशन रहेगा हमारी वाटर बॉडी में, कॉस्ट इफेक्टिव है, वो लो मेंटेनेंस कॉस्ट है हमारी, आपका ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम पूरी वाटर बॉडी में ऐड करते रहेंगे, जो उसके मोटर्स लगे रहते हैं, फ्लोटर्स पे फ्लोट होता है हमारी वाटर बॉडी में, और जो उसकी मोटर की जनरली आरपीएम 80-90 आरपीएम होती है, और वो मार्केट में आधा एचपी से लेके 20 एचपी और हायर रेंजेस तक मिल जाता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी वाटर बॉडी में लगाना है और कितनी आपने स्टॉकिंग डेंसिटी करी है। जनरली एक एचपी का आप एरिएशन एक एकड़ के पॉन्ड में लगाते हैं, तो 500 kg बायोमास अपना कल्चर में बढ़ा पाते हैं। लेकिन पैरेलली ये उसके फायदे थे, पैडल व्हील एरिएटर के कुछ नुकसान भी हैं। अगर किसी फार्म पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप कैसे एरिएशन चलाओगे? अगर आपने उसकी पोजीशन सही नहीं रखी है, तो आप यूनिफॉर्म, आप प्रॉपर मात्रा में पूरी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं भेज पाओगे। तो हमें अपने जो भी पॉन्ड डिजाइन करे हैं, या हमने कोई पॉन्ड लीज पे लिया है, या जैसी उसकी शेप है, हमें एरिएशन के लिए एरिएशन इक्विपमेंट की पोजीशन की भी बहुत महत्वता है। वो बहुत ज्यादा फ्लो, बहुत ज्यादा जिगजैग ना करे, वो स्टेशनरी रहे, वो फ्लोट तो करेगा वाटर बॉडी पे, लेकिन मूवमेंट बहुत कम हो। कभी कभी ऐसा रहता है, कुछ मछलियां भी जख्मी हो जाती है अगर वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। हमें एरिएशन के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट की भी आवश्यकता है। हमें ये भी चेक करना पड़ेगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कौन सा है। अर्थन बॉडीज में, अर्थन वाटर बॉडीज में पैडल व्हील एरिएटर इज द बेस्ट। जितने टैंक्स कल्चर होते हैं, उन सब में डिफ्यूजर्स इज द बेस्ट। ये मेरा अपना आकलन, अपना मानना है, और ये मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा है। मैंने कई तरह के एरिएटर्स अपने फार्म पे लगाए, किसमें कितना ऑक्सीजन इंड्यूस हुआ, कितने उससे मैंने बायोमास इंक्रीज करा। तो अगर आप टैंक कल्चर में, सीड बैंक में यूज कर रहे हैं, तो आप डिफ्यूजर्स लगाइए। डिफ्यूजर्स में भी अगर आपके जो आपके हाई एंड डिफ्यूजर्स होते हैं, जिसमें पोर्स होते हैं, उनका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या रहता है, अगर मैं उनका कंपेरिजन एयर ऑक्सी ट्यूब से करूं, तो एयर ऑक्सी ट्यूब आपने बहुत सारे टैंक्स में देखा होगा, हैंगिंग लगी रहती हैं, और जितने सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहते हैं, वो पोर्स को बंद कर देते हैं, जो हमें टाइम टाइम पे उनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन जो हमारे डिफ्यूजर्स रहते हैं, उनकी बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि जैसे उसमें फ्लो होता है एयर का,
तो वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जैसे इनपुट बंद होता है पोर्स क्लोज हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ ज्यादा भी रहती है। मैंने एक इक्विपमेंट मेरे आपने टैंक्स में लगाया हुआ है, उसकी यही स्पेशलिटी है, जो उसके डिस्क है या जो उसके पोर्स तभी ओपन होते हैं जब उसमें कंटिन्यूस फ्लो हो, अदरवाइज वो पोर्स बंद हो जाते हैं। अगर हमने अपना एरिएशन डिफ्यूजर्स का लगाया हुआ है अपने सिस्टम में, तो हमें फाइन बबल्स मिलेंगे जो यूनिफॉर्म ऑक्सीजन, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी वाटर बॉडी को प्रोवाइड करेंगे। हाई एफिशिएंसी रहेगी ट्रांसफॉर्मिंग एरिएशन की, उसमें मोर एफिशिएंट डिफ्यूजर्स इन डीप वाटर बॉडीज में ज्यादा होते हैं, रेदर देन आपकी अगर कम डेप्थ वाली वाटर बॉडी है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स बातें करी पैडल व्हील एरिएटर और डिफ्यूजर्स के बारे में। तो आप ऑक्सीजन जैसे मछली के लिए खाना इम्पोर्टेंट है, उतने ही मात्रा में ऑक्सीजन भी मछली के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपनी वाटर बॉडी में अगर आपको अपना कल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो एरिएशन पे फोकस कीजिए और अपनी वाटर बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है अगर आपने 5 एकड़ का पॉन्ड लगाया आप उसमें एक एरिएशन लगा दें। अपने वाटर बॉडी के वॉल्यूम, स्टॉकिंग डेंसिटी, कौन सा कल्चर कर रहे हैं आप, ये सब ध्यान में रखते हुए अपनी वाटर बॉडी में एरिएशन लगाइए और अपने प्रोडक्शन को एनहांस कीजिए। बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, और कमेंट्स सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है करते रहिए, मैं जो आप कमेंट्स करते रहेंगे मैं वो वीडियोस आपके सामने प्रिपेयर करके लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।